हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उपेन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक वैकेंसी का अपडेट लेकर आया हूं। पोस्ट नेम है वन पाल एंड वन रक्षक। ये रिवाइज वैकेंसी राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के वेबसाइट पर हैं। अब हम चलते हैं इस रिवाइज्ड वैकेंसी के नोटिफिकेशन पेज पर, वहां देखेंगे कि क्या क्या रिवाइज्ड किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी रिवाइज्ड वैकेंसी का नोटिफिकेशन पेज। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आप नीचे में जस्ट देख सकते हैं ये पत्रांक संख्या है और ये दिनांक है। आप ऊपर में देख सकते हैं क्लियर लिखा गया है, संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति वन पाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी 2020 में निकली हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह वैकेंसी अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स, राजस्थान गवर्नमेंट ने इस रिवाइज वैकेंसी का विज्ञापन पेज जारी कर चुका है, आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए वन पाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 हेतु विज्ञापन संख्या 4/2020 दिनांक 11/11/20 को जारी किया गया था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/4/21 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुषमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुषमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूरा का पूरा मामला EWS को लेकर लटका हुआ था, जो यहाँ क्लियर होता दिख रहा है। जो पहले वैकेंसी निकला हुआ था उसमें कुछ वैकेंसीज को और ऐड कर दिया गया है। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/21 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के समान आवेदन शुल्क जमा करने की रियायत प्रदान की गई है। वन विभाग द्वारा वनपाल के नवीन 12 पदों को शामिल कर अब 99 पदों एवं वन रक्षक के नवीन 1259 पदों को शामिल कर अब 2300 पदों को संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई है। बोर्ड द्वारा अब भर्ती हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब उक्त पदों का नवीनतम वर्गवार आरक्षण का वर्गीकरण निम्नानुसार है। वनपाल एवं वन रक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में दो क्षेत्र होते हैं, एक गैर अनुसूचित क्षेत्र और दूसरा अनुसूचित क्षेत्र। यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र को नॉन TSP कहते हैं और अनुसूचित क्षेत्र को TSP कहा जाता है। तो यहाँ पर वनपाल का गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इसके बाद फिर हम वन रक्षक का गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ देखेंगे। तो चल के एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम वनपाल पर चलते हैं। तो वनपाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र में आप देख सकते हैं कुल पद 79 है और यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज वर्टिकली कर दिया गया है। जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो दिया गया है, इनके वैकेंसी को टोटल 79 वैकेंसी में ही काउंट कर लिया गया है। यानी जो ये वैकेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है वो कुल 79 पदों से ही निकले हुए हैं। क्षैतिज आरक्षण में हम देख सकते हैं विशेष योग्य जन के लिए, जैसे में एसिड अटैक विक्टिम के लिए 3 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 वैकेंसी और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2 वैकेंसी का यहाँ प्रावधान किया गया है। वहीं हम बात करें वनपाल में ही अनुसूचित क्षेत्र की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 20 वैकेंसी का यहाँ प्रावधान किया गया है और वर्टिकली इसी वैकेंसी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वर्टिकली किया गया है, लेकिन हॉरिजेंटली क्षैतिज आरक्षण यहाँ दे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये क्षैतिज आरक्षण जो 4 रिक्तियाँ हैं इसी 20 रिक्ति में से है, यानी इसी 20 वैकेंसी में से ये 4 वैकेंसी निकाला गया है। नेक्स्ट,
अब हम वन रक्षक का देख लेते हैं। वनपाल तो देख लिए, तो वन रक्षक में अब देखेंगे गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नन टीएसपी। देख सकते हैं कुल पद की जो संख्या है 1821 पद है, और इस 1821 पद को यहाँ पर वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कैटेगरी वाइज। क्षैतिज आरक्षण, ये क्षैतिज आरक्षण में जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी 1821 वैकेंसी में ही शामिल है, इस वैकेंसी को यहाँ निकाल दिया गया है। तो विशेष योग्य जन एसिड अटैक के लिए 73 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 607 वैकेंसी का आरक्षण दिया गया है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 36 वैकेंसी का यहाँ आरक्षण दिया गया है वन रक्षक नन अनुसूचित क्षेत्र यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र में। नेक्स्ट घ है वन रक्षक अनुसूचित क्षेत्र की, जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर कुल 479 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन वैकेंसी को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इन्हीं 479 वैकेंसी में से यहाँ पर हॉरिजेंटल वैकेंसी को निकाल लिया गया है, यानी ये हॉरिजेंटल वैकेंसी कुल 479 वैकेंसी का ही पार्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ विशेष नोट्स दिया गया है। ये जो वैकेंसी निकली हुई थी, जब फ्रेश वैकेंसी फ्रेश नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2020 में, उस समय का और इस समय जो रिवाइज नोटिफिकेशन आया है, दोनों के बारे में यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है जिन अभ्यर्थियों ने वन पाल एवं वन रक्षक के पद की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 04/2020 दिनांक 11/11/2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन यानी एडिट करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया गया है, जिसके लिए पात्रता की शर्तों की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था, अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता शर्तें पूरा करते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तों की पालन पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीमा के अनुसार पात्र था, लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है, तो भी उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा शुल्क जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि। कह दिया है, परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र यानी CSC, नेट बैंकिंग, ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 14/3/2022 से दिनांक 29/3/2022 को 23:59 तक जमा कराया जा सकता है। नेक्स्ट, परीक्षा का माह एवं दिनांक। वनपाल एवं वन रक्षक के पदों की भर्ती हेतु संभावित माह अक्टूबर 2022 को बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जाएगी। नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। जिन अभ्यर्थियों ने वनपाल एवं वन रक्षक के पदों की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 4/2020 दिनांक 11/11/2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा दी जाती है। उक्त संशोधन ऑनलाइन आवेदन की तिथि के बाद से 7 दिवस के पश्चात तक संशोधन ₹300 शुल्क
ऑनलाइन जमा करवाकर कर सकते हैं। और फाइनल पॉइंट है, वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती 2020 की पूर्व में जारी विज्ञप्ति 04/2020 दिनांक 11/11/2020 में भूतपूर्व सैनिक दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आयु एवं फीस तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में प्रावधान पूर्व विज्ञप्ति से संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार होंगे। विज्ञप्ति दिनांक 11/11/2020 के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पुरानी वैकेंसी का कुछ अपडेट्स यानी संशोधित विज्ञापन पेश। फ्रेंड्स, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वैकेंसी आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।